नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए एक अहम जानकारी। अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है तो आप हमारे YouTube चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब करें। ज्ञात हो हमारे चैनल पर आपको डेली प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी की ताजा जानकारी मिलेगी। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। 1 से 8वीं तक के स्कूल बस, वैन और ऑटो के लिए जारी हुई गाइडलाइन। बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट तो कई जिलों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। बिहार में अब व्हाट्सएप ग्रुप से होगा भूमि विवाद का निपटारा। बिहार में संभावित तीसरी लहर की शुरू हुई तैयारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने निकाली रिक्तियां। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर के 124 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें एनेस्थीसियोलॉजी, चेस्ट एंड टीबी, ऑप्थेमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेटिन, इसके साथ ही स्किन एंड वीडी, न्यूक्लियर मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, सामान्य इमरजेंसी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो एंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, यूरोलॉजी, शल्य चिकित्सा तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंटर्नशिप के साथ प्रासंगिक अनुशासन में MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार 1 सितंबर 2021 से 3 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.igims.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट तो कई जिलों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से प्रदेश की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इधर मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए प्रदेश के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था, साथ ही मूसलाधार बारिश की बात भी कही थी। इसके साथ ही कई जिलों में वज्रपात की आशंका भी जताई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में रेड अलर्ट आज के लिए भी जारी की गई है। इसके साथ ही 12 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए बारिश का अपडेट जारी किया है। 1 से 8वीं तक के स्कूल बस, वैन और ऑटो के लिए जारी हुई गाइडलाइन। सोमवार से बिहार में 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर से स्कूल बस, वैन, ऑटो की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले ही परिवहन विभाग ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत स्कूली बस, वैन और ऑटो में सभी को कोरोना गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सभी लोगों को मास्क पहनना होगा। इसके साथ ही स्कूली बच्चों की गाड़ियों में शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा। किसी भी हाल में ओवरलोड की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, परिवहन विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी स्कूली वाहन कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं उनका परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इस बाबत सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे शमीम हाशमी की। शमीम हाशमी का जन्म बिहार के सासाराम जिले में आज ही के दिन साल 1947 को हुआ था। शमीम हाशमी एक उर्दू और फारसी कवि हैं। वो मूल रूप से गजल के कवि हैं। उन्होंने अलग अलग मीटरों में कविता के अन्य रूपों की कविताएं भी लिखी हैं। हाशमी ने 9 साल की उम्र में कविताएं लिखना शुरू किया था। उनकी कविताएं और गद्य उर्दू साहित्य की राष्ट्रीय पत्रिका जैसे फनून, शायर, आजकल और शुभ नव में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में कई किताबें लिखी हैं, जिनमें उनकी उर्दू और फारसी गजलों का संग्रह भी शामिल है। परिवहन विभाग ने दरोगा पद की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसके तहत आप आवेदन के समय दिए गए मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी जन्म तारीख बतानी होगी और एक कैप्चा कोड भी भरना होगा। आप इस खबर में ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बिहार में अब व्हाट्सएप ग्रुप से होगा भूमि विवाद का निपटारा। भूमि विवाद के निपटारे के लिए अब बिहार में और ज्यादा तेजी से काम होने वाला है, क्योंकि भूमि विवाद से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए गृह विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग संयुक्त बैठक आयोजित करने वाला है। इस बाबत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखकर बैठक का स्थान, तारीख और समय तय करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही भूमि विवाद से जुड़े मामलों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को भी कहा गया है, जिसमें सभी जिलों के अपर समाहर्ता सहित विभाग के प्रभारी पदाधिकारी और संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक शामिल होंगे,
जिसका मूल मकसद भूमि विवाद से जुड़ी रिपोर्ट एवं सूचना का आदान प्रदान करना होगा। पंचायत चुनाव से पहले होगा बड़ा बदलाव, छीनी जा सकती है इनकी जिम्मेदारी। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सबकी निगाहें चुनाव पर ही टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि मुखिया के चुनाव के लिए पंचायत राज विभाग कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बताया जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपालक पदाधिकारियों के बदले जाने को लेकर कानून में संशोधन के बाद अब इस पर पंचायती राज विभाग में विचार विमर्श शुरू हो गया है। इधर इसको लेकर विभाग की इच्छा है कि पंचायत चुनाव तक बीडीओ को ही पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी रूप में कार्य करने दिया जाए। इसके बाद प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाए, यानी कि पंचायत चुनाव तक बीडीओ ही पंचायत समिति का काम देखेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के शर्तों में दी जाएगी ढील। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अगर आप भी आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर कुछ खास है, जिसके तहत सरकार के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाने को लेकर अब कई सारी शिकायतें सामने आई थी, जिसको लेकर के इस पूरी प्रक्रिया या आवश्यक शर्तों में परिवर्तन कर इसे आसान बनाने की बात कही गई है। ध्यान रहे, आवेदक को स्कीम के तहत ऋण अनुदान स्वीकृति के उपरांत व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराना होगा, जिसकी जानकारी उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दी है। ज्ञात हो, अब तक कई लोग जिनका कोई भी फर्म रजिस्टर नहीं है वो फर्म के नाम से चालू खाता होने की आवश्यक शर्त के बोझ से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। लैंड पार्सल मैप वितरण का काम होगा ऑनलाइन। कोरोना काल में सरकारी विभाग भी धीरे धीरे करके ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। इसी कड़ी में अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लैंड पार्सल मैप के वितरण के काम को भी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी यह सुविधा पूरे बिहार में लागू नहीं हुई है, बल्कि यह सिर्फ बेगूसराय, सुपौल और शेखपुरा जिलों के लोगों को ही मिलेगी। इन जिलों में इस बाबत सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इन जिलों के मौजों में खेसरा पंजी भी तैयार हो चुकी है। वहीं सरकार की पहल से ऐसे लोगों को खास फायदा मिलने वाला है जिनकी जमीन बिहार में है लेकिन वो रहते राज्य के बाहर है। ऐसे में अब गांव के बाहर रह रहे भूस्वामी नए सर्वे में अपनी जमीन का नक्शा और उसमें दर्ज अपने नाम को देख सकेंगे। 50 से 55 प्रखंड में होगा मतदान। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके बाद यही उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव का आयोजन कभी भी करवाया जा सकता है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव को लेकर कई सारी जानकारी अब तक साझा कर चुका है। इसी बीच जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार हर चरण में 50 से 55 प्रखंडों में पंचायत के सभी पदों पर मतदान करवाया जाएगा। ऐसे में एक जिले में 1 से 3 प्रखंडों में सुगमता से मतदान संभव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो राज्य के कुल 534 प्रखंडों की सभी पंचायतों में मतदान कराया जाना है। इनमें 8000 पंचायत शामिल है। वहीं मतदान के लिए कुल 1,12,000 बूथ स्थापित किए गए हैं। 1.07 लाख मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की जिम्मेदारी बिहार की इन चीनी मिलों के हाथ। जब भी आप चीनी मिल का नाम सुनते हैं आप यही सोचते होंगे कि इस मिल से चीनी का उत्पादन होता है, लेकिन अब ये मिले चीनी के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी कर रही है। जी हां, आपने सही सुना, गन्ने के कचरे बेगास से बिजली उत्पादन का काम बिहार में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार की 7 चीनी मिलों ने कुल मिलाकर 1,07,489 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है, जिसमें से 69,210 मेगावाट बिजली चीनी मिले बिहार की विद्युत कंपनी को बेच देती हैं। इस बाबत गन्ना उद्योग विभाग के संयुक्त इकायुक्त जयप्रकाश नारायण सिंह ने बताया है कि हमारी चीनी मिलों ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। पटनावासियों को अब इन कामों के लिए नहीं लगाने होंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर। पटनावासियों के लिए अहम सूचना। विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं से जुड़ी कागजी कार्रवाई, टैक्स भुगतान, फीस भुगतान, बिजली बिल भुगतान, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस नवीनीकरण आदि सेवाओं के लिए पटनावासियों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पटना स्मार्ट सिटी के तहत पहले चरण में 9 जन सुविधा केंद्रों को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत अब यह सुविधाएं मात्र 25 से लेकर 50 रुपए में प्राप्त होंगी, जिसकी मदद से अब ना तो शहर वासियों को दूर सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे और ना ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने की मजबूरी होगी। इतना ही नहीं, अब आम नागरिकों को समय सीमा के अंदर सेवाएं प्राप्त होंगी। बुनियाद केंद्र
सेवा ने हेल्थ चेकअप कैंप का किया आयोजन। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बुनियाद केंद्र सेवा के माध्यम से बुनियाद संजीवनी सेवा गाड़ी से हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवा लोगों की आंख, कान एवं भौतिक चिकित्सा से संबंधित उपचार किया गया। लगभग 30 लाभुकों ने सेवा का लाभ उठाया। यह कैंप नानपुर प्रखंड गौरी पंचायत जिला सीतामढ़ी में आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से वरीय भौतिक चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार, ऑप्थेमोलॉजी कनुप्रिया, वॉक एवं श्रवण विशेषज्ञ पीयूष कुमार गुप्ता एवं सपोर्टिव के रूप में सुधांशु पाठक जी एवं सिपू ने अपना अहम योगदान दिया है। बिहार में संभावित तीसरी लहर की शुरू हुई तैयारी। बिहार में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके तहत बिहार के अस्पतालों में लगाए जा रहे नए ऑक्सीजन प्लांटों में ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त जनरेटर की सुविधा देने की योजना बनाई गई है, ताकि बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में भी मरीजों का इलाज किया जा सके और ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति जारी रहे। इसको लेकर जल्द ही डीजी जनरेटर सेट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि राज्य के सभी ऑक्सीजन प्लांट में लगाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य में 122 स्थानों पर PSA यानी कि प्रेशर स्विंग एडसोरप्शन ऑक्सीजन मशीन की स्थापना की जा रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने निकले मुख्यमंत्री नीतीश। बिहार के आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के कारण बिहार के कई जिले नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी हालात का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन जमीनी स्तर पर हालात की समीक्षा करने निकले। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सड़क मार्ग से दौरा कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी हासिल की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गंगा नदी के किनारे बसे 12 जिलों के निचले हिस्सों में बाढ़ आई है। कई दियारा इलाके डूब चुके हैं। राजधानी पटना भर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जानकारों का कहना है कि अगर मूसलाधार बारिश हुई तो पटना जलमग्न हो जाएगा। कृषि मंत्री ने बिहार के बाढ़ प्रभावित को सहायता देने का दिया आश्वासन। बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में किसानों को बाढ़ के कारण काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि बिहार सरकार ने बाढ़ के कारण हुई क्षति के लिए किसानों की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार के कई जिलों में किसान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के चलते बड़ी संख्या में फसल की भी क्षति हुई है। विभाग की तरफ से फसल क्षति का आकलन किया गया है। जल्द ही किसानों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ के कारण इससे पहले भी जो नुकसान हुआ है, विभाग ने उसका आकलन कर लिया है। जल्द ही मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के माध्यम से राशि जारी की जाएगी। बिहार भ्रमण के तहत कुशवाहा अब इन जिलों में आएंगे नजर। बिहार जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों जदयू के संगठन को बिहार भर में मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अब तक उन्होंने बिहार के कई जिलों का भ्रमण कर लिया है, वहीं अब वो एक बार फिर से अलग अलग जिलों का दौरा करने वाले हैं। सरकारी जानकारों की माने तो चूंकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा का यह दौरा पांचवें चरण का है, ऐसे में पांचवें चरण में 26 अगस्त को वो मुजफ्फरपुर, 27 अगस्त को शिवहर, 1 सितंबर को सारण, 2 सितंबर को सिवान, 3 सितंबर को गोपालगंज और 4 सितंबर को वैशाली में भ्रमण करेंगे, जहां वो कोरोना, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे आमजनों को राहत पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में जदयू कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित करने की भी बातचीत होगी। अब गाड़ियों के कबाड़ से कमाए पैसा, जानिए कैसे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि 13 अगस्त को वाहन कबाड़ नीति को लॉन्च किया है। इस दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह पॉलिसी भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का आज शुभारंभ हो गया है। उन्होंने गुजरात में हो रहे इन्वेस्टर समिट में कहा कि इस पॉलिसी के आने से युवाओं को नौकरी मिलेगी, साथ ही इस पॉलिसी से सामान्य परिवार को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ यह होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। इसके अलावा पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, इसमें भी बचत होगी। पुरानी गाड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट से भी मुक्ति मिलेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में आज के दिन की गई थी। भारत का विभाजन 1947 में आज के दिन हुआ था। पाकिस्तान पृथक राष्ट्र आज के दिन बना था। मोरारजी देसाई
1968 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किए गए। भारत सरकार ने 2010 में 64वें स्वतंत्रता दिवस पर काबुल में शहीद हुए सेना चिकित्सा कोर के मेजर एल ज्योतिन सिंह को अशोक चक्र तथा विनोद चौबे और मेजर दविंदर सिंह जस को कीर्ति चक्र प्रदान करने की घोषणा की थी। भारत के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार कुलदीप नैयर का जन्म 1924 को आज ही के दिन हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता जॉनी लीवर का जन्म 1956 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शमी कपूर का निधन 2011 में आज ही के दिन हुआ था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बिलासराव देशमुख का निधन 2012 में आज ही के दिन हुआ था। बिग बॉस के घर में फूटा अक्षरा सिंह का गुस्सा। भोजपुरी सिंगर और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इन दिनों बिग बॉस के घर में हैं, जहां हर दिन अक्षरा सिंह की चर्चा हो रही है। इसी बीच हाल ही में अक्षरा सिंह का गुस्सा भी जमकर फूटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अक्षरा गुस्से में दिखाई दे रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बोलती दिख रही है कि हम यूपी बिहार से हैं तो क्या तमाशा है, हमको नहीं आती इंग्लिश, हमारे घर में नहीं है नौकर, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें संस्कार सिखाए हैं। वहीं नेहा भसीन उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी को सुनने को तैयार नहीं है। इस खास फीचर की मदद से हैकर नहीं कर सकेगा आपके फोन को हैक। अगर आप भी अपने फोन को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने फोन में इस फीचर को ऑन करना होगा, जिसके तहत स्मार्टफोन को हैकिंग से बचाने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाएं। यहां आपको सिक्योरिटी का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब आपको सिक्योरिटी अपडेट, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट और गूगल प्ले प्रोटेक्ट का विकल्प दिखाई देगा। इन तीनों में से गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक करें। यहां स्कैन का बटन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद स्कैनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यदि आपके फोन में वायरस वाला ऐप होगा तो वो यहां दिखाई देगा। इसके अलावा आप राइट साइड में दिए गए सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें, यहां दोनों विकल्प को ऑन कर दें। ऐसा करने से आपका डिवाइस सुरक्षित रहेगा। पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट बॉक्स पर होगा यह खास काम। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन चुनाव सितंबर से नवंबर के बीच करवाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस बार ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब चुनाव के दौरान ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में बैलेट बॉक्स को लेकर अब खास जानकारी सामने आई है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सभी बैलेट बॉक्स पर ग्राम पंचायत का नाम और संबंधित मतदान केंद्र का नाम जरूर अंकित करें। इसके अलावा बैलेट बॉक्स पर मतदान की तारीख भी अंकित की जाएगी, जिससे सहूलियत ये होगी कि मतदान के बाद ईवीएम के अतिरिक्त बैलेट बॉक्स को सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाना सुनिश्चित हो सकेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,750 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,880 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 95.51 रुपए प्रति लीटर था। सदानंद सिंह से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव और सुशील मोदी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह की तबीयत काफी खराब है, जिसके बाद उनका इलाज लगातार पटना के एक निजी अस्पताल में हो रहा है। जदयू, भाजपा और राजद की तरफ से लगातार उनके हेल्थ की अपडेट ली जा रही है। इसी बीच बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी उनसे मुलाकात की। तेजस्वी ने मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी और लिखा कि पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सदानंद सिंह जी की तबीयत खराब होने के कारण पटना के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। अस्पताल जाकर परिजनों और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त की। ईश्वर से आदरणीय श्री सदानंद बाबू के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं सुशील मोदी ने भी मुलाकात की तस्वीरों को साझा किया है। धोनी की टीम यूएई के लिए हुई रवाना। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बीते दिन दुबई के लिए रवाना हो गई है, जिसके तहत अब टीम 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल का हिस्सा बनने वाली है। इसको लेकर सीएसके ने खुद ही सारी जानकारी साझा की है, जिसके तहत सीएसके ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर को शेयर किया है। ज्ञात हो 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी अब केवल आईपीएल में खेलते हैं और 19 सितंबर से टूर्नामेंट के यूएई लीग में फिर से खेलते नजर आएंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, मनीष मोहरा, अभिमन्यु कुमार, बबीता यादव, खान खान, राजीव कुमार, सिट्टू कुमार, दिनेश कुमार, निकी मिश्रा, प्रमोद राम, आलोक कुमार, रामू कुमार,
सतीश चंद्रा, निखिल कुमार, मानव यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।